नमस्कार दोस्तों, निर्मला जी रेसिपी किचन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की रेसिपी में बनाने जा रहे हैं खुरमा, इसे शक्कर पारे भी बोलते हैं। तो इस विधि को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खुरमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा किलो मैदा ले लिए हैं। मोयन के लिए रिफाइंड तेल मोयन लगा लेते हैं। इसी तरह से मिला लेंगे, अच्छे से मोयन लग जाएगा तो मुट्ठी बंधने लगेगी। अच्छे से मोयन लग गया है, मुट्ठी बंधने लगी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेते हैं। टाइट ही आटा गूँथेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। सख्त आटा गूँथ के तैयार है। इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, आटा थोड़ा और गूँथ लेते हैं। आटे को दो भाग कर लेते हैं। इसे मोटी रोटी की तरह बेलेंगे, हाथ से दबा के इस तरह से इसको बेलन से बेल लेंगे। इसी तरह से घुमा घुमा के इसे बेल लेंगे। रोटी बेल लिए हैं। रोटी की मोटाई इतनी होनी चाहिए, पतला रहता है तो खुरमा अच्छा नहीं लगता है। अब इसे इस तरीके से काट लेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं काटेंगे, इतनी ही चौड़ी पट्टी रहेगी। अब इसी तरह से इधर से भी काट लेंगे। सब इसी तरह से काटते जाएंगे। अब इसे निकाल के इसी प्लेट में इसी तरह से अलग अलग निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला भी तैयार कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें खुरमा डाल देते हैं। एक बार में इतना ही खुरमा डालें कि तेल में डूबा रहे। अब इसे एक किनारे से इस तरह से इसे पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएं, इससे खुरमा खस्ता होता है। एक बार और चला लेते हैं। खुरमा को पकने में 10 से 12 मिनट लग जाता है। खुरमा ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। बचा हुआ खुरमा इसी तरह से तल लेंगे। खुरमा ब्राउन हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। सब खुरमा तल लिए हैं, चलते हैं इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। आधा किलो चीनी ले लिए हैं, आधा किलो मैदा था, आधा किलो चीनी ले लिए हैं। मीठा कम पसंद हो तो चीनी कम कर सकते हैं। अब इसमें आधे बाउल पानी डालेंगे। आधा बाउल पानी डाल के इसे इसी तरह से गला लेंगे। एक तार की चाशनी तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से सूता निकल रहा है। सिगड़ा को गैस से उतार लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद इसमें खुरमा डालेंगे। सिगड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, इसमें खुरमा डाल देते हैं। इसे इस तरह से मिलाएंगे, मिलाते रहेंगे ताकि अलग अलग खुरमा रहे, नहीं तो एक में मिल जाएगा। खुरमा अच्छी तरीके से मिला लिए हैं, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मोटी लेयर का मार्केट जैसे खुरमा बन के तैयार है। एक बार इस तरीके से बना के देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।